तो फ्रेंड हमारे वेबकैट सपोर्ट में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड फ्रेंड आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि वर्डप्रेस में ई कॉमर्स को कैसे सेटिंग किया जाता है, कैसे सेटअप किया जाता है, कंप्लीट एक प्रोफेशनल मतलब एक ई कॉमर्स का वेबसाइट स्टोर कैसे बनाया जाता है, वो सारा चीज मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को प्लीज अंत तक जरूर देखें, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए मैं ज्यादा लेट ना करते हुए मैं सिंपली आपको पॉइंट पे ले चलता हूँ। इससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, हमारे चैनल में अगर आप नए हैं तो यूट्यूब में जाके आप इस तरह से आप वेब टेक सपोर्ट को टाइप कर सकते हैं। उसके बाद में आप जो है यहाँ पे जाने के बाद में सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा लें, उसके बाद ये बटन जो है बेल आइकन है ऑल वाला दबाएं ताकि और भी मैं फीचर्स में इसी तरह का वीडियो जो मैं डालूं तो आप तक जरूर ये नोटिफिकेशन पहुंचे और इस चीज का फायदा ले पाएं फ्रेंड, ठीक है। तो यहां पे आप सबसे पहले जो है मैं पॉइंट पे आ गया कि अब जो है सबसे पहले आपको एक वर्डप्रेस को डाउनलोड करना है, ठीक है। अब जानते हैं कि ऑनलाइन जो वर्डप्रेस मतलब बहुत फेमस है ब्लॉग के लिए, जिसमें से एक ईकॉमर्स एक प्लगइन है, एक वर्डप्रेस का एक प्लगइन है, जो प्लगइन को हम इस्तेमाल करके कंप्लीट हम एक कह सकते हैं कि ईकॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं, प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हैं, जिसका जो है डिमांड अभी 75% से भी ज्यादा मतलब वर्ल्ड में यही ई कॉमर्स का जो है प्लगइन वर्डप्रेस का ई-कॉमर्स का प्लगइन अभी चल रहा है और लोग इसी को ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि इसको कस्टमाइज करने में बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। तो सारा सेटअप मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं, ठीक है फ्रेंड। तो सबसे पहले आपको वर्डप्रेस डाउनलोड कर लेना है। अगर वर्डप्रेस को डाउनलोड नहीं करने आता, इसको सेटअप और कैसे इसको इंस्टॉल किया जाता है, तो मैंने बताया कि यहां पे आपको मेरे चैनल में जाने के बाद में एक आपको वीडियो मिल जाएगा, यहां पे ये वीडियो आप देख सकते हैं इंस्टॉल कैसे किया जाता है, वो सारा चीज आपको इस वीडियो के अंदर में मिल जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको सिंपल बताना है कि वर्डप्रेस को इस तरह से डाउनलोड कर लेना है, कैसे कैसे रखना है, मतलब कौन सा सर्वर पे, जेम सर्वर पे, ये मैं लोकल होस्ट पे आपको आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कंटिन्यू पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है फ्रेंड। कंटिन्यू पे क्लिक कर देने के बाद मैं अभी फिलहाल जो है मैं वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है। तो कंटिन्यू पे एक बटन पे क्लिक कर देने के बाद ये मैं कंटिन्यू हो जाऊंगा, ठीक है फ्रेंड। तो उसके बाद में जो है मुझे डेटाबेस के लिए यहाँ पे पूछेगा, ठीक है। तो फिर भी मैं लेट्स गो जो है ये नीचे बटन दिया गया, मैं लेट्स गो पे क्लिक कर देता हूँ। लेट्स गो पे क्लिक कर देने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेटाबेस नेम मांग रहा है, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे मेरा डेटाबेस नेम मैंने लोकल होस्ट में दे रखा हूँ शॉप, ठीक है। अगर आपको ये चीज कैसे कैसे सेटअप किया जाता है तो मैं फिर आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वर्डप्रेस इंस्टॉल वाला जो वीडियो है वो आप जरूर देख लें कि कैसे वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो मैं ये चीज जो है मैं अपना सेटअप कर रहा हूँ ताकि आप भी इसमें देख लें, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं लोकल होस्ट में हूँ, तो यहाँ पे मैं यूजर नेम फिलहाल जो है मेरा कुछ भी नहीं है, तो मैं रूट दे दूंगा, उसमें पासवर्ड जो है मैं फिलहाल ब्लैंक रख दूंगा इसके अंदर में, ठीक है फ्रेंड। तो और यहाँ पे सारा कुछ वही चीज रहेगा, ठीक है। उसके बाद में मैं सबमिट कर देता हूँ इसके अंदर में, ठीक है फ्रेंड। कांट सेलेक्ट डेटाबेस, ठीक है, ट्राई अगेन। फिर मैं बैठ जाता हूँ, क्यों शॉप, और ये शो मैंने दे दिया, यहाँ पे शॉप हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। ये शो मैंने दे दिया, यहाँ पे मुझे डालना है शॉप, ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ पे देख सकते हैं शॉप, सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पे क्लिक कर देने के बाद एरर एस्टेब्लिश, क्यों एरर एस्टेब्लिश ये हो रहा है, रूट ये पासवर्ड, सॉरी ये पासवर्ड मेरा ब्लैंक ही रहेगा, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए मैं अब चलता हूँ, मैं देखता हूँ कि क्या हो रहा है। ये देखें बिल्कुल मेरा परफेक्ट हो चुका है इंस्टॉल, अब हो जाएगा रन द इंस्टॉलेशन, ठीक है। ये वर्डप्रेस हमारा इंस्टॉल फिलहाल भी हो रहा है, चलिए मैं रन द इंस्टॉलेशन बटन पे मैं क्लिक कर देता हूँ फ्रेंड। उसके बाद में आपको जो है ये हमारा कंप्लीट वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जा रहा है। अब यहाँ जो है मैं शॉप का नाम क्या देना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं शॉप का नाम कुछ भी कोई भी कॉमर्स दे देता है, तो फिर कोई भी स्टोर आप दे सकते हैं यहाँ फिलहाल, ठीक है शॉप, ठीक है फ्रेंड। तो मैं यहाँ पे दे लेता हूँ शॉप, सॉरी ये शॉप स्टोर, ठीक है मैंने यहाँ पे दे दिया ये शॉप स्टोर। उसके बाद में आप यूजर नेम फिलहाल कुछ भी दे दें, मैं फिलहाल आप लोगों को दिखाने के लिए मैं एडमिन दे देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे चलिए मैं एडमिन दे दिया, ठीक। पासवर्ड जो है फिलहाल मैं रखने के लिए मैं एडमिन ही इसको भी दे दूंगा, आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड चाहे तो आप स्ट्रॉन्ग भी पासवर्ड रख सकते हैं इस तरह का अल्फाबेटिकली के साथ में, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए मैं एडमिन को भी यहाँ पे दे दिया। उसके बाद में आपको एक ईमेल एड्रेस मांगा जाएगा जो कि वेरिफिकेशन के लिए, कभी इन केस आपका जो है पासवर्ड भूल गए उस केस में आप रिकवरी करने के लिए पासवर्ड यहाँ पे अपना वो ईमेल एड्रेस जरूर दे दें। उसके बाद में इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर दें, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए मैं ईमेल एड्रेस डाल के मैं आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है फ्रेंड। तो मैंने ईमेल एड्रेस को डाल दिया, उसके बाद में इंस्टॉल बटन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ये हमारा कंप्लीट एक वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया, ठीक है लोकल होस्ट में। मैं इसे सर्वर पे नहीं दिखा रहा हूँ आपको, लोकल होस्ट में इसी तरह से आप लोगों को भी करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें टाइम ले रहा है मेरा इंस्टॉलिंग होने, क्योंकि बहुत सारा डेटा इसमें इसके अंदर में स्टोर करना होता है, यहाँ पे डेटाबेस के अंदर में, यहाँ पे बहुत सारा इसमें से मेरा स्टोर करेगा शॉप के अंदर, ठीक है फ्रेंड। तो आप लोगों को जो है थोड़ा सा वेट कर लेना है, इस जगह पे थोड़ा टाइम लगता है,
इंस्टॉल करने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं सक्सेस मेरा हो चुका है, वर्डप्रेस इंस्टॉल इसके अंदर भी सक्सेस हो चुका है। और जो मैं एडमिन का जो मतलब यूजर आईडी पासवर्ड रहेगा वो हमारा एडमिन का ये जो यूजर आईडी रहेगा और पासवर्ड जो मैंने चूज किया अभी जो एडमिन मेरा दोनों सेम ही है। ठीक है, अभी हम लॉगिन हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे मेरा जो है फिलहाल क्या दिख रहा है, मैं इसको मैं होम पेज इसको ओपन कर लेता हूँ यूआरएल से। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं जो है सबसे पहले मैं अपना ये जो होम पेज को मैं ओपन कर लेता हूँ इसके अंदर। चलिए मैं ये मेरा क्या डिस्प्ले कर रहा है अभी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह का भी फिलहाल हमारा होम पेज दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे फिलहाल मेरा जो वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है इसके अंदर में, अब मेरा फिलहाल जो भी इस तरह का दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या क्या करना है, सबसे पहले आपको आप जो है एडमिन में चले जाना है। ठीक है, चलिए मैं एडमिन में चला जाता हूँ। एडमिन, फिर मैंने पासवर्ड दे दिया एडमिन को, ये मेरा खुल जाएगा। अंदर हम चले जाएंगे इसके अंदर में एडमिन के डैशबोर्ड में, मुझे रिडायरेक्ट करेगा फ्रेंड। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एडमिन के डैशबोर्ड पे मैं आ चुका हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जो है सिंपल कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे बिल्कुल अब कुछ नहीं करना। ये हमारा जो है, मैंने बताया कि WooCommerce एक प्लगइन है, ये पूरे मतलब वर्डप्रेस का एक प्लगइन है। जिस तरह से प्लगइन दूसरे कोई और भी चीज वर्डप्रेस के लिए प्लगइन यूज करते हैं, उसी तरह का WooCommerce भी एक प्लगइन है वर्डप्रेस का, जिसको मुझे वो प्लगइन WooCommerce इसके अंदर में हमें डालना है। जिस तरह से प्लगइन को डालते हैं, तो सिंपली आप जाके ये कि मतलब नेट पे जाके आप जो है कहीं पे आप मतलब डाउनलोड कर लें, कहीं पे मतलब क्या मतलब कहीं से आप जो है इसको WooCommerce डाउनलोड ऐसे करके टाइप करना है। सिंपली ऐसे करके टाइप कर देने के बाद में आपको देखने को मिल जाएगा wordpress.org करके, यहाँ पे सिंपल आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद कुछ आपको इस तरह से इंटरफेस दिखेगा आपको प्लगइन में। यहाँ पे आपको सिंपली ये डाउनलोड बटन पे क्लिक कर देना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी WooCommerce को मैंने डाउनलोड कर लिया हूँ। ठीक है, तो मैं डाउनलोड नहीं करूंगा, यहाँ से आप सिंपली आप डाउनलोड कर सकते हैं इस तरह से। बस इसी तरह से आपको कर लेना है जिस तरह से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब चलिए कि WooCommerce का टाइम आ गया कि वो अब जो है WooCommerce का कैसे सारा सेटअप करता है, वो चीज मैं सारा चीज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे आपको सिंपल जहां पे भी आप WooCommerce को डाउनलोड किए हैं, ठीक है, तो WooCommerce जहां पे आप डाउनलोड किए हैं, तो मेरा जो है WooCommerce को मैं यहाँ पे डाउनलोड किया हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ थोड़ा मेरा कि WooCommerce कहाँ पे है। ठीक है फ्रेंड, तो मेरा यहाँ जो है इसके अंदर में यूजर के अंदर यहाँ पे जेम सर्वर के अंदर में यहाँ पे मैं जाऊंगा HT डॉक्स के अंदर में, यहाँ पे मेरा WooCommerce यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल जो मैंने डाउनलोड किया WooCommerce को वो डाउनलोड के अंदर में होगा, यहाँ पे मैंने डाउनलोड कर लिया हूँ, वो मैं कॉपी करूंगा। कॉपी करके ले जाने के बाद में मैं सीधा जेम के अंदर में जो भी मैंने दिखाया कि कहाँ पे रखना है, आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, अब बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद में यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको सिंपली आपको कहाँ पे ये प्लगइन को रखना है। ठीक है, अगर यहाँ से रखते हैं तो मतलब लोकल होस्ट से रखते हैं तो, या तो फिर आप यहाँ पे सिंपली आप यहाँ से भी डाउनलोड इसको कर सकते हैं, ये भी फैसिलिटी दिया गया है। जैसे कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे जो है यहाँ से प्लगइन में जाने के बाद में हो सकता है लोकल होस्ट में प्रॉब्लम हो, तो यहाँ पे WooCommerce को सर्च करेंगे। ठीक है, WooCommerce, ठीक है, इस तरह से WooCommerce को सर्च करने के बाद में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि मेरा यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है क्योंकि मैं लोकल होस्ट में हूँ, मेरा सर्वर जो है मतलब इसके साथ कॉम्बिनेशन नहीं है, इसलिए आपको सिंपली आपको यहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कर लेने के बाद में आपको सिंपल रख लेना है इस जगह पे जेम सर्वर के अंदर में, जेम HT डॉक्स के अंदर में। आप यहाँ पे HT डॉक्स के अंदर में मैं इस फोल्डर को पेस्ट कर देता हूँ जो कि ये अभी मतलब जिप के अंदर में है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, और ओपन करने के बाद में मैं अनजिप कर लेता हूँ, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। एक्सट्रैक्ट कर लेने के बाद में फ्रेंड कुछ मेरा ये फाइल जो है एक्सट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट होने के बाद में मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखाता हूँ, फिर आगे ये हो जाने दो। तो हमारा ये जो फाइल है एक्सट्रैक्ट हो चुका है फ्रेंड, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो है WooCommerce को मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया, वो चीज यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं WooCommerce हमारा आ चुका है। अब यहाँ पे जो है WooCommerce को मैं कट करूंगा, कट कर देने के बाद में जो मेरा वर्डप्रेस का फाइल है जो मैं इसमें रखा हूँ शॉप के अंदर में, फिर इसके अंदर में कंटेंट के अंदर में प्लगइन के अंदर में जाऊंगा, उसके बाद में प्लगइन के अंदर में मैं WooCommerce को रख दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो WooCommerce को मैंने सिंपली यहाँ पे रख लिया। अब मैं चलता हूँ फिर फ्रेंड कहाँ पे, अब मुझे जाना है फिर WooCommerce के अंदर, सॉरी वर्डप्रेस के अंदर, वर्डप्रेस के यहाँ पे प्लगइन पे आ जाना है आपको। वर्डप्रेस में आ जाने के बाद फिर प्लगइन पे आपको क्लिक कर देना है। प्लगइन पे क्लिक कर देने के बाद में यहाँ पे आपको प्लगइन देखने को मिलेगा, कौन सा, हमारा WooCommerce को यहाँ डिस्प्ले होने लगा। पहले तो नहीं था लेकिन हमारा WooCommerce जो है यहाँ पे दिखने लगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मुझे एक्टिवेट करना पड़ेगा, तो चलिए मैं इसको सिंपली एक्टिवेट कर लेता हूँ। एक्टिवेट कर लेने के बाद में जो है मेरा ये एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये थोड़ा टाइमिंग ले रहा है एक्टिवेट होने में।
ये हमारा एक्टिवेट हो गया फ्रेंड, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा जो है एक्टिवेट हो चुका है इसके अंदर में ई-कॉमर्स, ठीक है। एक्टिवेट हो जाने के बाद मुझे यहाँ पे रिडायरेक्ट किया, जब मेरा एक्टिवेट हुआ तो मुझे यहाँ पे रिडायरेक्ट किया। अब यहाँ पे जो है एड्रेस वगैरह जो भी हो आप यहाँ पे एड्रेस डाल दें, अपना जो पूरा एड्रेस हो वो डाल दें, कंट्री सेलेक्ट करके डाल दें, उसके बाद में सिटी जो है वो, उसके बाद पिन कोड जो है वो डाल दें, उसके बाद में यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दें, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक कर देने के बाद आप आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है फ्रेंड। मैं सारा एड्रेस इसके अंदर में डाल दिया फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरह से आपको फिल कर देना है अपना एड्रेस जो होगा, उस तरह से आप यहाँ पे डाल दें। उसके बाद में ये जो हमारा हो रहा है अभी फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं वेलकम टू ई-कॉमर्स, ये हमारा ई-कॉमर्स का स्टोर सेटअप हो रहा है, ठीक है फ्रेंड। तो इसी तरह से आपको करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको मैंने बताया कि एड्रेस डाल देना है, उसके बाद में यहाँ पे कंट्री जो सेलेक्ट करना है वो कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद में जो भी आपका सिटी होगा यहाँ पे पिन पोस्टल कोड डाल के आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया, यस काउंट मी इन, फिलहाल मैं नो थैंक्स कर देता हूँ, ठीक है। आपको इसी तरह से नो थैंक्स को करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ इस जगह से, अब यहाँ पे मतलब आगे मैं आ गया, ठीक है। एक प्रोडक्ट सेटअप, उसके बाद में बिजनेस डिटेल वगैरह, उसके बाद में थीम सेटअप, ये सब चीज अभी मतलब करना होगा, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे फिलहाल मैं हेल्थ एंड ब्यूटी कुछ भी, या तो फूड या तो एजुकेशन ऐसे एक्सेसरी अदर मैं करके ले लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे कुछ भी जो भी अपना एजुकेशन से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड, फैशन में ले लेता हूँ फैशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आगे कंटिन्यू पे हो जाता हूँ। इस तरह से आपको सेलेक्ट करना है, जिस तरह का आपका स्टोर बनाना चाहते हैं आप, हेल्थ से रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, फूड एंड ड्रिंक से, जो भी होम वगैरह वगैरह जो भी हो, एजुकेशन और कुछ भी, उस चीज का आपको सेलेक्ट करके आप यहाँ पे बढ़ जाए, मतलब मिलता जुलता जो आपसे प्रोडक्ट का रिलेटेड हो वो यहाँ से करके आप बढ़ जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू पे यहाँ पे कर देता हूँ। उसके बाद में आपको जो है ये सब चीजों का कुछ सब्सक्रिप्शन का प्लगइन डाउनलोड करना है या मेंबरशिप का प्लगइन, ये एक ई-कॉमर्स का अपना प्लगइन है, ठीक है। ये ई-कॉमर्स का अपना प्लगइन, वो मतलब ई-कॉमर्स जो है वर्डप्रेस का एक प्लगइन है, वर्डप्रेस का ई-कॉमर्स एक प्लगइन है। अब जो है ई-कॉमर्स का अपना ये सब प्लगइन है, ठीक है। जैसे सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं, मेंबरशिप प्लगइन लेना चाहते हैं, अगर बुकिंग के लिए, बंडल के लिए, कस्टमाइज प्रोडक्ट, ये जो है ये चीज, उसके लिए आपको पैसे से खरीदने पड़ेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमें ये सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ एक स्टोर बनाना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद में मुझे ये सब चीजों की कोई जरूरत नहीं, मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में आप यहाँ पे हाउ मेनी प्रोडक्ट डू यू प्लान टू डिस्प्ले, मैं जो है 1 to 10, ठीक है, 1 से 10 प्रोडक्ट को मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ होम पेज पे। उसके बाद में मेरा जो है मैं पेजिनेशन से मैं आगे, जैसे एक पे क्लिक किया, 2, 3, 4, इस तरह से मेरा मतलब स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट 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 करते आता जाएगा, ठीक है। करंट सेलिंग एल्सवेयर, ठीक है, नो कहीं नहीं, हमने सेल अभी फिलहाल तो मैंने कहीं, मैं तो स्टोर बना ही रहा हूँ, कहीं सेलिंग आगे मैं नहीं किया हूँ, ठीक है। तो अभी जो है मैं फिलहाल नो कर दूंगा। उसके बाद में मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक कर देने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं एड रिकमेंडेड बिजनेस फीचर्स टू माय साइट, कंटिन्यू, ठीक है फ्रेंड। तो मैं कंटिन्यू पे मैंने क्लिक कर दिया, उसके बाद में जो है मुझे आगे रिडायरेक्ट करेगा। यहाँ थोड़ा टाइम ले रहा है फ्रेंड, तब तक मैं वीडियो को थोड़ा पॉज करता हूँ। यहाँ पे मेरा फ्रेंड यहाँ पे मेरा फेल हो गया, ठीक है, कंटिन्यू जो है मेरा फेल हो गया है। उसके बाद में मैं यहाँ पे करता हूँ कंटिन्यू विदाउट इंस्टॉलिंग, ठीक है। चलिए मैं कंटिन्यू विदाउट इंस्टॉलिंग पे क्लिक कर दिया, ठीक है, मैं आगे बढ़ गया। आगे बढ़ जाने के बाद में फ्रेंड आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, तो अच्छा सा जो आपको लगे कि जो बेटर है वो प्लगइन को आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपना चीज अपना जो अच्छा लगे वो आप यहाँ पे, ये फ्री प्लगइन है ई-कॉमर्स का, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है इन्होंने इतना सारा प्लगइन्स, आप कोई भी एक चूज कर सकते हैं इसके अंदर में, ठीक है। तो फिलहाल मैं आप लोगों को दिखाने के लिए मैं फिलहाल एक प्लगइन इसको मैं ले लेता हूँ, ठीक है, ये मैं फ्रंट ये जो है ये इसको मैं चूज कर लेता हूँ। अभी जो है फिलहाल ये थीम हमारा है, लेकिन मैं इसको चूज कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद में आपको थीम जो है इसके अंदर में प्रीमियम क्वालिटी का आपको एक थीम मिल जाएगा जो फ्री फ्री का है, ठीक है। ये हमारा थीम फ्रेंड जो है इंस्टॉल हो चुका है इसके अंदर में, लेकिन कुछ ऐसे इसके अंदर में प्लगइन्स हैं जिसमें से फ्री नहीं है फ्रेंड, जैसे $79
वन ईयर के लिए इसको ये सब मतलब चीज को रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो फ्री थीम होगा वो मैं फिलहाल तो एक ही फ्री थीम था इसके अंदर में, वो मैंने इंस्टॉल कर लिया। उसके बाद में अब जो है मेरा यहाँ पे आपको कब चाहे तो कट कर सकते हैं, तो फिर नेक्स्ट 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 करके ऐसे करके लेट्स गो इस तरह से करके आप कर सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट को ऐड करना है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं एक मतलब ई कॉमर्स का जो है मैं यहाँ पे एक सेटअप अभी फिलहाल के लिए किया हूँ, जिसके अंदर में अभी और सारे बहुत सारे प्रोडक्ट ऐड करने हैं, प्राइस डिस्प्ले करना है सारा चीज, ताकि हमारा जो एक शॉप के तरह ई कॉमर्स वेबसाइट के तरह दिखे, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए मैं आप लोगों को सारा चीज दिखाता हूँ। तो फ्रेंड अभी हमारा फिलहाल कैसे दिख रहा है वो चीज मैं यहाँ पे अपना शॉप को देख लेता हूँ कि ये हमारा जो है फ्रंट एंड है ई-कॉमर्स का, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा कैसा दिख रहा है वो मैं फिलहाल सबसे पहले मैं देखता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा ई-कॉमर्स का कंप्लीट एक जो है स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं वो हमारा बन चुका है इसके अंदर में, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा होम है, यहाँ पे कार्ट पेज है, यहाँ चेकआउट पेज है, यहाँ पे जो है माई अकाउंट है, यहाँ पे सिंपल पेज, शॉप पेज, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा फिलहाल शॉप जो है कैसा दिख रहा है मैं शॉप पे देखता हूँ। शॉप पे भी कोई भी प्रोडक्ट हमारे इसके अंदर में ऐड नहीं है। तब मैं सिंपली से अब जाके जो है मैं प्रोडक्ट को ऐड करूंगा इसके अंदर में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे चले जाना है इसमें एडमिन में जाने के बाद में आपको देखने को मिलेगा ई-कॉमर्स इंस्टॉल हो जाने के बाद में आपको प्रोडक्ट का भी एक ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सारा प्रोडक्ट को आप यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले जो है एक यहाँ पे ऑल प्रोडक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, न्यू एड प्रोडक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं फिलहाल ऑल प्रोडक्ट का भी जो है मैंने क्लिक किया हूँ। यहाँ पे आप देखें इसके अंदर प्रोडक्ट में क्लिक करने के बाद ऑल प्रोडक्ट से ऐड न्यू प्रोडक्ट का कैटेगरीज का टैग्स का एट्रीब्यूट का इस तरह का, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले भी कुछ करना नहीं है, क्रिएट प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं या फिर एड न्यू प्रोडक्ट यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए मैं एड न्यू पे क्लिक करता हूँ। एड न्यू पे क्लिक कर देने के बाद में फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से आप डालें जो कि आपका जैसे मेरा मैं प्रोडक्ट को डालता हूँ टी शर्ट, ठीक है फ्रेंड। टी शर्ट को मैंने डाल दिया और यहाँ पे कोई एक टी शर्ट का मैं कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह ले लेता हूँ। यहाँ पे जो मैं ऑलरेडी पे इस पे निकाल के रखा हूँ वो चीज कोई भी टी शर्ट का एक डिस्क्रिप्शन ले लेता हूँ इसका, ठीक है, या तो फिर टाइटल ही समझ लो। तो यहाँ पे आप टी शर्ट का जो है टाइटल डालें जो आपका मतलब क्लॉथ का जो भी मतलब शॉप का जो भी प्रोडक्ट का टाइटल यहाँ पे डालना है आपको। उसके बाद में डिस्क्रिप्शन में जो भी आप डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन दे दें, उसका मतलब डिस्क्रिप्शन में जो है मतलब डिटेल ऑफ योर प्रोडक्ट, ठीक है, आपका प्रोडक्ट का जो डिटेल है क्या कौन तरह का प्रोडक्ट है, किस तरह का प्रोडक्ट, किस टाइप का प्रोडक्ट है, उस चीज का यहाँ पे डिटेल लिख दें, ठीक है। उसके बाद में आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको प्रोडक्ट का प्राइस कितना है नीचे आ जाने के बाद में आपको प्रोडक्ट का प्राइस पूछा जाएगा कि कितना है। जैसे मेरे प्रोडक्ट का प्राइस जो है 355 रुपीस है या फिर डॉलर्स में होगा हो तो आप डॉलर में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डॉलर भी साइन चेंज करने का इसमें से ऑप्शन दिया गया है, अभी फिलहाल मैं डॉलर में ही रखता हूं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आप जो है इमेज आप कहाँ पे डालेंगे नीचे आ जाने के बाद में, यहाँ पे प्रोडक्ट इमेज का भी एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको फ्रेंड। यहाँ पे आपको सिंपल सिलेक्ट कर देना है, सिलेक्ट कर देने के बाद में जिस तरह का आपका मतलब फोटो हो आपका इमेज वहां से आप सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद में फ्रेंड आपको मैं फिलहाल कोई भी प्रोडक्ट का जो है टी शर्ट का कोई भी इमेज सेलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। इस तरह का सेलेक्ट कर लेने के बाद में ये ऑटोमेटिकली जो है अपलोड हो जाएगा सर्वर के अंदर में। उसके बाद में यहाँ पे आपको सेट प्रोडक्ट इमेज देखने को बटन मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं मिला, ठीक है। यहाँ पे टैग डाल सकते हैं, अल्ट डाल सकते हैं, कैप्शन भी डाल सकते हैं उसका इमेज का, डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं डालने वाला हूँ, यहाँ पे मैं सेट प्रोडक्ट इमेज क्योंकि मुझे दिखाना है आप लोगों को, ठीक है। तो सेट प्रोडक्ट में डाल दिया, उसके बाद में सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पब्लिश बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है फ्रेंड। तो पब्लिश बटन पे क्लिक कर देने के बाद आपको ये प्रोडक्ट डिस्प्ले होने लगेगा आपके फ्रंट में, मतलब आपके स्टोर वेबसाइट में जो है डिस्प्ले होने लगेगा। जैसे मैं अब यहाँ पे देखता हूँ शॉप पे मैं आ गया हूँ, यहाँ पे देख लेता हूँ कि मेरा प्रोडक्ट डिस्प्ले होता है या नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा प्रोडक्ट डिस्प्ले होने लगा। इसी तरह का और भी प्रोडक्ट मैं ऐड करके आप लोगों को आगे और बताता हूँ, ठीक है। इसी तरह से ऐड करना है जिस तरह से मैंने बताया अभी। अब यहाँ पे इसके अंदर में मैं एक और प्रोडक्ट को इसके अंदर में डाल दिया, मतलब इसमें लिया हूँ। उसके बाद इसमें मैटर करता है कि आप कौन सी कैटेगरी में कौन सा टी शर्ट का कैटेगरी आप यहाँ पे डालना चाहते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे आपको सिंपल एक ऑप्शन फिर मिल जाएगा आपको एड न्यू कैटेगरीज करके, ठीक है। तो अपना कैटेगरी जो है यहाँ पे आप डाल दें, जैसे क्लॉथ, ठीक है फ्रेंड, अपना कुछ भी कैटेगरी यहाँ पे आप डाल सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे मैं डाल देता हूँ मेन टी शर्ट, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ मेन
टी शर्ट, ठीक है। अब यहाँ पे कैटेगरी जो है डालना बहुत जरूरी होता है हमें डिस्प्ले करने के लिए कि किस कैटेगरी में हमारा प्रोडक्ट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैन जो है मैन टी शर्ट, ठीक है, ये जो मैन के लिए टी शर्ट मैं डाल रहा हूँ इसके अंदर में, तो एड न्यू कैटेगरी पे आपको क्लिक कर देना है, उसके बाद में ये कैटेगरी एड हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन टी शर्ट, ठीक है, यहाँ पे कैटेगरी ऐड हो गया। अब इसके अंदर में ये प्रोडक्ट हम डालेंगे इस कैटेगरी के अंदर में, टी शर्ट के अंदर में, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे मैं आप पब्लिश कर देता हूँ, मैं प्राइस भी डाल दिया, प्रोडक्ट भी डाल दिया, इसकी फोटो भी वगैरह वगैरह जो भी इसके अंदर में डालना था, जिस तरह से मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, प्राइस, फोटो और यहाँ पे टाइटल, जो आपका प्रोडक्ट का टाइटल रहेगा, यहाँ पे जो है आपका डिस्क्रिप्शन रहेगा प्रोडक्ट का डिटेल्स के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे सबमिट कर देना है, ठीक है। ये हमारा फिर जो है ये हमारा मेन पेज पे और मेरा होम पेज पे डिस्प्ले होने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेता हूँ कि मेरा डिस्प्ले होता है, यानी फिर से मेन कैटेगरी के अंदर में मेन टी शर्ट, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे हमारा वो मेन टी शर्ट के अंदर में हमारा कैटेगरी चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों प्रोडक्ट हमारा आ चुका है। इसी तरह से आपको प्रोडक्ट को ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड टू कार्ड जो बटन भी आ गया इसके अंदर में, ऐड टू कार्ड जो है इसका भी बटन आ गया इस प्रोडक्ट के लिए, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे जो है आप इस तरह से प्रोडक्ट आप ऐड करके फ्रंट में डिस्प्ले करा सकते हैं अपने हिसाब से, अपने मतलब तौर तरीके से, जिस तरह से चाहे आप डिस्प्ले करा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ पे जो है और भी चीजों को आपको ऐड करना है कि अगर मुझे मान लीजिए कि और भी कैटेगरी ऐड करने हैं, तो जिस तरह से आपको यहाँ पे मैंने कैटेगरी ऐड करते हुए दिखाया उसी तरह से सिंपल आपको कैटेगरी को ऐड करना है, ठीक है फ्रेंड। तो एक ये चीज हो गया। अब यहाँ पे चलिए कि हमारा इंडिया का लेवल है, मुझे डॉलर में ये नहीं दिखाना, ये पैसा जो अभी $100 में हमारा दिखा रहा है वो हम चेंज करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो हमारा इंडिया में वो करेंसी होना चाहिए, उसके लिए हमको करना ये पड़ेगा कि सेटिंग में जाना पड़ेगा, सेटिंग में जाने के बाद में सॉरी ये ई कॉमर्स का सेटिंग में जाना पड़ेगा, यहाँ पे ई कॉमर्स का सेटिंग में चलना पड़ेगा। सेटिंग में जाने के बाद में हमको करेंसी चेंज करने के लिए यहाँ दिया जाएगा, जैसे करेंसी हमारा यहाँ पे कौन सा भी फिलहाल चल रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं कि करेंसी हमारा जो है ई कॉमर्स के सेटिंग के अंदर में यहाँ पे आपको करेंसी चेंज करने होंगे, जैसे हमारा भी यहाँ यूएसडी में चल रहा है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट में चल रहा है मेरा, तो हम मैं करना चाहता हूँ इंडिया में, इंडिया में, तो INR में करूंगा, INR, ठीक है, सॉरी, तो मुझे डायरेक्ट इंडिया ही टाइप करना पड़ेगा, देख सकते हैं आप इंडियन रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद इसको सेव कर दूंगा, सेव कर देने के बाद में फ्रेंड आप यहाँ पे हमारा जो है अभी जो डॉलर में साइन दिख रहा था वो हमारा दिखने लगेगा रुपीस में, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं रुपीस में हमारा चेंज हो चुका है ये साइन को, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे जो है हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चेकआउट के लिए ये है, माय अकाउंट के लिए हमारा ये पेज दिख रहा है। अब यहाँ अगर अपने अकॉर्डिंग से अगर यहाँ पे आप दिखाना चाहते हैं, जैसे कि सैंपल पेज जो है हमारा नहीं दिखना चाहिए और यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से मैं इसको दिखाना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको फिर आपको एडमिन में जाना पड़ेगा कस्टमाइज करने के लिए, और उसके बाद में अपीयरेंस में जाना पड़ेगा, उसके बाद में मेनू में जाना पड़ेगा। मेनू में जाने के बाद में फ्रेंड आपको जो है अपने हिसाब से नेविगेशन बार को डिस्प्ले कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको डिस्प्ले करा के दिखाता हूं आप लोगों को। जैसे यहां पे मैं दूंगा मेनू, यहाँ पे कुछ भी सबसे पहले यहाँ पे आ जाने का मेनू स्ट्रक्चर, मेनू स्ट्रक्चर को कुछ नेम देना पड़ेगा यहाँ पे, तो मेनू वन में दे देता हूँ, ठीक है फ्रेंड, मेनू वन। उसके बाद में यहाँ पे फ्रेंड आपको मेनू वन देने के बाद में आपको जो है यहाँ से प्राइमरी सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी मेनू, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइमरी मैंने कर दिया, ये सेकेंडरी मेनू, हैंड हेल्ड मेनू जो भी है सबके लिए जो है एक अलग अलग वर्क है, काम है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सिंपल चीजों को आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे इतना सारा मेनू जो हमारा डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे, इतना सारा मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे चाहिए होम पेज, कार्ड, चेकआउट, माई अकाउंट और शॉप पेज। तो उसके लिए आपको यहाँ पे आप जाने के बाद में आप यहाँ पे सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या क्या चीज चाहिए, माई अकाउंट, चेकआउट और कार्ड, शॉप और होम पेज तो ऑटोमेटिकली रहेगा ही, ठीक है। तो उसमें उसके बाद में ऐड टू मेनू पे क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं ऐड टू मेनू पे क्लिक कर दिया, उसके बाद में ये जो है मेरा सारा चीज यहाँ पे डिस्प्ले होने लगेगा, मेनू वन के अंदर में हमारा यहाँ पे आ गया। उसके बाद में फ्रेंड सबसे पहले मेरा क्या रहना चाहिए इसके अंदर में, सबसे पहले हमारा शॉप रहना चाहिए, तो मैं इसको ड्रैग करके ऊपर कर दूंगा। उसके बाद में मेरा कार्ट रहना चाहिए, तो चलिए मैं कार्ट को भी ऊपर कर देता हूँ इसके अंदर में। उसके बाद में मेरा क्या होना चाहिए, चेकआउट होना चाहिए, तो चेकआउट को मैं ऊपर कर, सॉरी ये तो इसके अंदर आ गया, ठीक है। तो मैं इसके अंदर नहीं डालना है, यहाँ पे मैं इसके अंदर ऊपर रखूंगा बाहर, ठीक है। तो ये इसके अंदर आ जा रहा है, इसके अंदर क्यों आ जा रहा है, यहाँ पे चेकआउट ओरिजिनल रिमूव ओपन आउट फ्रॉम अंडर, हाँ आउट फ्रॉम अंडर,
ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे मैं कर दिया इसको आउट फ्रॉम अंडर और उसके बाद में ये बाहर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको सेव कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मेनू के सेव कर लेते हैं। सेव कर लेने के बाद में फ्रेंड कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा आपका जो है प्रोडक्ट का आपका नेविगेशन बार। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे मैं नेविगेशन अभी मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ पेज को। रिफ्रेश कर लेने के बाद में पेज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो है फिलहाल कुछ गायब नहीं हुआ। क्यों नहीं गायब हुआ? क्योंकि यहाँ पे मैंने मेनू को सेलेक्ट नहीं किया, प्राइमरी मेनू यहाँ पे नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइमरी में मेनू कर देता हूँ। उसके बाद में फ्रेंड यहाँ पे कुछ मैं मेरा कुछ अलग देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप हमारा शॉप कार्ट माई अकाउंट और चेकआउट पेज हमारा यहाँ पे डिस्प्ले सिर्फ हो रहा है, इतना मेन्यू हमारा सिर्फ दिख रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गया मेनू के लिए। आप लोगों को डॉलर के लिए भी साइन मैंने बताया कि कहां से चेंज करना चाहिए वर्डप्रेस में, वो चीज भी मैं आप लोगों को दिखाया। ठीक है फ्रेंड, अब यहां पे जो है मैं इस जगह पे मैं और कुछ चीजों को आप लोगों को दिखाता हूं कि वो चीज कैसे होता है। ठीक है फ्रेंड, तो अब हम सीखेंगे इसके अंदर में कि इसका साइड बार कस्टमाइज कैसे करें, वह ई-कॉमर्स का जो है साइड बार हम इसको कस्टमाइज कैसे करें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, आपको एडमिन पैनल में चले जाना है। एडमिन पैनल में जाने के बाद में फ्रेंड्स आपको कहीं नहीं नीचे आपको एक अपीयरेंस दिखेगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस जगह पे कि हमारा प्रोडक्ट में यहाँ पे रिसेंट पोस्ट, तो रिसेंट पोस्ट तो मेरा होगा नहीं, रिसेंट कमेंट ये भी तो मेरा होगा नहीं, अर्कार्ड जो है ये भी तो हमारा होगा नहीं, कैटेगरी सिर्फ हमारा रहेगा ताकि हमारा प्रोडक्ट वाइज जो है हमारा कैटेगरी लोग देख सके। ठीक है, तो कस्टमाइज करना ई-कॉमर्स को बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त, ये वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूँ, जो बिल्कुल आप प्रोफेशनल एक वीडियो को कस्टमाइज करके बना सकते हैं वेबसाइट को। ठीक है, जो कंप्लीट एक मतलब प्रोफेशनल इस वीडियो में कैसे कैसे किया जाता है, कैसे सारे लोग कस्टमाइज करके ई-कॉमर्स का मतलब जो है एक ई-कॉमर्स का जो एक वेबसाइट बनाता है, एक स्टोर बनाता है, लोग ऑनलाइन सेलिंग करता है, तो इसी तरह से आप बिल्कुल एक प्रोफेशनली बना सकते हैं वेबसाइट ई-कॉमर्स का। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमको ये सब चीजों को नहीं जरूरत है, तो ये चीजों हमें हटाना है। ठीक है, तो यहाँ एडमिन पैनल में आ जाएंगे वर्डप्रेस के अंदर में, उसके बाद में आपको अपीयरेंस में चला जाना है। अपीयरेंस में जाने के बाद विजिट्स जो है इसके अंदर में आपको चले जाना है। विजिट्स के अंदर में जाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको यहाँ पे बहुत सारे विजिट्स मिल जाएंगे, जो जो चीज आपको चाहिए वो मिल जाएगा, जो जो चीज आपको नहीं चाहिए वो भी आप हटा सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारा रिसेंट पोस्ट दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम आप देख सकते हैं कि हमारा ये रिसेंट पोस्ट है इसके अंदर में। ठीक है, मुझे ये नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद में यहाँ पे हम कर देंगे इसको ब्लॉक को रिमूव ब्लॉक। ठीक है, ये बिल्कुल लेटेस्ट जो चल रहा है वर्डप्रेस, ठीक है फ्रेंड, न्यू वाला वर्जन, उसमें से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, मुझे हेलो वर्ल्ड भी नहीं चाहिए, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक कर देने के बाद में यहाँ पे हम इसको रिमूव ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में हम सेव करेंगे, इसको अपडेट कर देंगे। अपडेट कर देने के बाद में मेरा ये चीज हट जाना चाहिए फ्रेंड। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो है ये बिल्कुल हट चुका है, रिसेंट जो पोस्ट था वो हट चुका है। इसी तरह से आप सारा जितना भी ये सब कुछ दिख रहा है आप हटा सकते हैं इसी तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे और भी मैं फटाफट से हटा लेता हूँ ये सब चीजों को, नहीं चाहिए जो मुझे इसमें से नीडलेस है वो चीज। ठीक है, यहाँ पे फिर ये कमेंट वाला जो है इसको मैं भी रिमूव कर देता हूँ फ्रेंड। तो इस तरह से आपको रिमूव कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे अब जो है ब्लॉक अर्काट भी मुझे नहीं चाहिए, इसको भी हम रिमूव कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे भी मैं रिमूव कर लेता हूँ, डेट जो भी है उसको भी हम रिमूव कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रिमूव कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे कैटेगरी जो है हमारा रहेगा, लेकिन फिलहाल मैं आप लोगों को रिमूव करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको रिमूव कर देंगे और ये वाला जो है इसको भी हम रिमूव कर देंगे फटाफट से। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम सेव कर देंगे। सेव कर देने के बाद क्या आता है, ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे मैंने अपडेट कर दिया। अपडेट कर देने के बाद में हमारा ये साइड बार जो है सारा हाइड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये चीज, ये वीडियो जो है एक बिगिनर के लिए है, जो ई-कॉमर्स बिगिनिंग करना चाहता है, ई-कॉमर्स सीखना चाहता है और मतलब ऑनलाइन स्टोर बनाना चाहता है, उसके लिए, सीनियर के लिए नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा कुछ मेरा लेफ्ट राइट साइड का जो भी बार था वो मेरा हट गया। अब मुझे यहाँ से कैटेगरी दिखाना है, तो कैटेगरी दिखाने के लिए आपको फिर यही विजिट पे आ जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो है फ्रेंड हमको दिखाना है कैटेगरी से। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ कैटेगरी के लिए हम यहाँ पे एक कैटेगरी ब्लॉक लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ पे एक हेडिंग लूंगा। हेडिंग लेने के बाद में जैसे हम दिखाएंगे कैटेगरीज, ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे ग्रीज कैटेगरीज, ठीक है, यहाँ पे कैटेगरी हमको दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है इसी जगह पे हम एक ऐड करेंगे कैटेगरी ब्लॉक को। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद में यहाँ पे आपको टाइप करना है कैटेगरी प्रोडक्ट कैटेगरी लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम डालेंगे इसके अंदर में,
यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा आ चुका है इसके अंदर में, यहाँ पे मेरा कैटेगरी भी आ गया, मेरा मेन टी शर्ट वोमेन टी शर्ट ये दोनों कैटेगरी हमारा आ गया। ये हमारा अब मैं अपडेट कर देता हूँ। अपडेट कर देने के बाद में अब यहाँ पे जो है मेरा डिस्प्ले होना चाहिए फ्रेंड, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारा डिस्प्ले होता है या नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे मेरा देख सकते हैं कैटेगरी जो है मेरा डिस्प्ले नीचे भी हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से बिल्कुल आपको कैटेगरी ऐड कर लेना है। जितना भी आप जितना भी इसके अंदर में आप और भी कुछ जितना भी चाहे आप इसके ब्लॉग के अंदर में डाल सकते हैं, जो यहाँ पे जो भी चीज चाहे इसके अंदर में बहुत सारा चीज दिया गया है। नीचे एक एक चीज देख के आप यहाँ पे सोशल मीडिया वगैरह कुछ भी RSS जो भी हो जिस तरह का चीज भी हो आप डालना चाहें बिल्कुल सारा चीज आप डाल सकते हैं। जैसे YouTube वगैरह हो गया, Twitter वगैरह हो गया, Embedded वगैरह जो भी इस तरह का, जैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपको, सिंपल कुछ नहीं करना है। अगर चैनल का नाम है तो वो चैनल का नाम दे दें या तो फिर इसको अपडेट कर दें, शायद ये डिस्प्ले होने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ जिस तरह से साइड बार में जो जो चीज आप अगर रखना चाहते हैं, ये चीज उसमें चैनल नहीं है इसलिए डिस्प्ले नहीं हुआ। ठीक है ना, विजिट्स के अंदर में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट मतलब चीज मिल जाएंगे आपको, जो आपको रखना है रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं इसके अंदर में, नहीं रखना चाहते हैं तो नहीं रख सकते हैं इसके अंदर। प्रोडक्ट सर्च भी अगर आप रखना चाहते हैं ताकि वो प्रोडक्ट वहीं से सर्च कर पाए तो आपको प्रोडक्ट सर्च भी मिल जाएगा इस तरह से। ये साइड बार का है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं सेव कर दिया। सेव कर देने के बाद में यहाँ पे आप जो है साइड बार का जो आप सर्च देख सकते हैं, यहाँ पे हम ऑलरेडी हमारा तो है ही लेकिन यहाँ पे भी मेरा सर्च आ गया, तो मुझे ये चीज नहीं चाहिए, मैं इसको हटा देना चाहता हूँ, नहीं रखना चाहता हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो इस पर आप सिंपल क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद में यहाँ पे ब्लॉग जो है रिमूव कर देना है आपको। ठीक है, मैं और फिर जो है सर्च वाला जो है मेरा कम्प्लीट रिमूव हो चुका है, इसको भी मैं मुझे नहीं चाहिए, मैं इसको भी रिमूव कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह से आप रिमूव करके आप बिल्कुल यहाँ पे सेव कर सकते हैं। बहुत सारा मैंने बताया कि बहुत सारा ऐसे चीज़ जो है आप यहाँ से रख सकते हैं इसके अंदर में। ठीक है, HTML जो भी चीज़ चाहे आप इसके अंदर में बिल्कुल सारा चीज़ इसके अंदर में रख सकते हैं, सोशल मीडिया वगैरह या फिर जो भी चीज़ रेटिंग वगैरह जिसके अंदर में जो भी हो आप इस तरह का चीज़ रख सकते हैं। ऑन सेल प्रोडक्ट का जो भी है वो भी आप यहाँ पे मतलब सारा चीज़ जो जो चीज़ अगर आपको चाहिए वो चीज़ आप यहाँ पे ब्लॉग से ऐड करके रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया साइड बार के लिए, आपको मैंने बताया कस्टमाइज साइड बार कैसे किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गया साइड बार कस्टमाइजेशन के लिए। अब मैं आप लोगों को ले चलूंगा कि इसको जो है अब मैं आप लोगों को ले चलूंगा कि साइड बार के लिए आपको मैं ले चलता हूँ एड कार्ट पेज पे। ठीक है, अब फुटर के लिए भी मैं आप लोगों को बताऊंगा लेकिन अभी कार्ट पेज पे मैं जो बेसिक चीज है, बेसिक चीज जो आपको सबसे पहले जानना चाहिए वो चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ। व्यू कार्ड, ठीक है, अब बटन पे क्लिक करते हैं, व्यू कार्ड पे क्लिक करते हैं। व्यू कार्ड पे क्लिक करने के बाद में कुछ हमारा इस तरह से आ जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो आ जाने के बाद में ये मेरा यहाँ पे सारा कार्ट जो है मेरा चल रहा है। ठीक है, इसके अंदर में जो मैंने प्रोडक्ट परचेज किया वो चीज, वो सारा चीज जो है यहाँ पे हमारा डिस्प्ले हो रहा है। जैसे टी शर्ट का जो टाइटल है वो 100 रुपीज, जो मैंने प्राइस जो है इसका क्वांटिटी कितना है वो, टोटल सब टोटल प्राइस कितना है वो। अब यहाँ पे हम क्वांटिटी चाहे तो इसको 0, इसको 2 या 4, 5 जो भी करके हम इसको अपडेट भी कर सकते हैं इस जगह पे। ठीक है फ्रेंड, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कार्ट अपडेटेड, ये हमारा अपडेट हो गया। पैसा भी मेरा जो है 5 क्वांटिटी का ₹500 इसके अंदर में जुड़ चुका है। ठीक है, अब इसके अंदर में आता है कूपन। अगर कूपन भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं उसके लिए भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ। कूपन के लिए सबसे पहले आप लोगों को चल जाना पड़ेगा ई-कॉमर्स के अंदर। ई-कॉमर्स के अंदर में जाने के बाद में कूपन का यहाँ पे मिलेगा। कूपन में मिलने के बाद में फ्रेंड्स आपको जो है यहाँ पे एक अप्लाई करने के लिए क्रिएट योर फर्स्ट कूपन। ठीक है, अगर क्रिएट योर फर्स्ट कूपन अगर किसी को अप्लाई करके अगर मैसेज वगैरह के जरिए मतलब ऑफर देना चाहते हैं तो यहाँ का करेंगे हम सबसे पहले कि गेट कूपन बनाएंगे गेट 10। ठीक है फ्रेंड, इस तरह से गेट 10। ठीक है, इस तरह से जनरेट कूपन कोड। ठीक है, तो हम गेट 10 करके कुछ नहीं करेंगे इसके अंदर में। अमाउंट डिस्काउंट कितना परसेंटेज रखेंगे हम इसमें से, कूपन अमाउंट ₹10। ठीक है, फिक्स कार डिस्काउंट। ठीक है, इसके अंदर में नहीं मुझे परसेंटेज के हिसाब से रखना है। ठीक है, तो परसेंटेज के हिसाब से एक्सपायर कब होगा हमारा ये चीज़, एक्सपायर कब हो जाना चाहिए, जैसे 2 दिन के अंदर में, 3 दिन के अंदर में या फिर हमेशा के लिए रहेगा, तो वो यहाँ पे डेट आप फिक्स कर सकते हैं ताकि उस दिन में ये जो एक्सपायर हो जाए कूपन कोड जो है उस दिन एक्सपायर हो जाए, उसके बाद में काम करने नहीं लगेगा। लेकिन अभी मैं डेट नहीं फिक्स करता हूँ इसके अंदर में। उसके बाद में पब्लिश कर देना है। पब्लिश कर देने के बाद में फ्रेंड हम अगर कूपन के कोड अगर उसके अंदर में डालते हैं ई-कॉमर्स के अंदर में, यहाँ पे आप देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारा जो मैंने अभी कूपन कोड बनाया। ठीक है, अब यहाँ पे हम डालेंगे इसके अंदर में गेट 10। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ गेट 10 है, डालेंगे अप्लाई करेंगे इस कूपन को।
ठीक है फ्रेंड। तो देख सकते हैं कूपन कोड अप्लाइड सक्सेसफुल, ये हमारा जो है अप्लाई सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद में अब यहाँ पे जो है हमारा देख सकते हैं कि परसेंटेज के हिसाब से जो मैंने कूपन लगाया परसेंटेज के हिसाब से 10% 500 का मेरा माइनस होके और यहाँ पे 450 रुपए हमको पे करने पड़ेंगे इसके लिए। तो इस तरह से कूपन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इस तरह से आप अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है इसके अंदर में, ठीक है फ्रेंड। अब मैं इससे आगे चलता हूँ, ठीक है। अब इसके आगे मैं चलता हूँ प्रोसीड टू चेकआउट पेज पे। बहुत ही शानदार से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, एक बेहतरीन वेबसाइट बना के आप इसको रन कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सिंपल आपको जो बिलिंग के लिए है, जो बिलिंग मतलब जो आप एड्रेस डालेंगे वो सारा चीज रजिस्ट्रेशन के लिए सब कुछ रेडीमेड इसके अंदर में बना हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बना हुआ है। जैसे यहाँ पे आप फर्स्ट नेम डालेंगे, लास्ट नेम। अब यहाँ पे जो है मैं अपना कुछ यहाँ पे डालता हूँ, जैसे जो मेरा नाम है, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सर हुसैन, और यहाँ पे कंपनी अगर आपका हो तो कंपनी नेम यहाँ पे डालें, ठीक है। जैसे ऑल, ये मेरा वेबसाइट का नाम है, मैंने ऑल पिकर्स डाल दिया, ठीक है, इंडिया है। उसके बाद में जो भी आपका मतलब एड्रेस हो वो यहाँ पे डालें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे सिटी जो आपका हो यहाँ पे आप डाल दें, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे मैं झारखंड से हूँ तो मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ, तो मैं वो चीज में डाल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड, तो मैं ये डाल दिया। उसके बाद में मैं यहाँ पे पिन, अपना फोन नंबर कुछ भी आप जो है डाल सकते हैं इसके अंदर में, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे अब ईमेल एड्रेस जो रहेगा ये रहेगा। उसके बाद में हम आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपको प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करने के लिए ये बोल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, योर पर्सनल डेटा विल बी यूज्ड टू, सॉरी इट सीम्स देयर आर नो अवेलेबल पेमेंट गेटवे मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे गेटवे सेट करना पड़ेगा जो पैसा आपको चाहिए और लेंगे आप पैसा, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले गेटवे सेटिंग करता हूँ, ताकि मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस गेटवे में आप जान भेजना चाहते हैं इसको, मतलब पैसा आपका किससे कटेगा, पेटीएम से, फोन पे से, या फिर पेपाल से, या फिर बैंक से। वो सारा ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे डिस्प्ले करवाना पड़ेगा, तभी तो जाके ये रिडायरेक्ट करेगा उस गेटवे में, उस पेमेंट गेटवे में जो जिससे पैसा आप मतलब लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्लेस ऑर्डर करता हूँ, तो यहाँ पे जो बोलेगा कि ये आपका कोई भी गेटवे सेलेक्टेड नहीं है, यहाँ पे देखिए इनवैलिड पेमेंट गेटवे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले आपको गेटवे सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए मैं गेटवे सेलेक्ट करके और आगे बढ़ के मैं दिखाता हूँ, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को फिर आपको आना पड़ेगा वर्डप्रेस के एडमिन पार्ट में, उसके बाद में ई कॉमर्स में जाना पड़ेगा यहाँ पे, उसके बाद में सेटिंग में जाना पड़ेगा। सेटिंग में जाने के बाद में फ्रेंड्स आपको यहाँ पे जो है एक प्रोडक्ट, एक पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। ये चीज जो बिल्कुल सारा चीज फ्री है, ठीक है, इसके अंदर में पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद में आपको सिंपली आपको फिलहाल जो है हमारे पास इस तरह का कोई पेमेंट गेटवे नहीं इसके अंदर में अवेलेबल है, तो उसके लिए आपको सीसी एवेन्यू, पेपाल, या तो फिर कैश पेमेंट के साथ में, चेक पेमेंट के साथ में, या फिर कैश ऑन डिलीवरी के साथ में, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, इस तरह का आप एनेबल कर सकते हैं अगर आपके पास इस तरह का सुविधा है तो। या फिर तो फिर आपको जो है पेपाल के लिए आपको यहां से डाउनलोड करना पड़ेगा गेटवे के लिए, ठीक है, या फिर बैंक अकाउंट के लिए। तो अगर मैं इसमें से कर देता हूं कोई भी चीज कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी पे मैं कर देता हूं इसको, जैसे इस तरह के कैश ऑन डिलीवरी को ऑन कर देता हूं इस बटन पे। कर देने के बाद में आपको सेटअप कर देना पड़ेगा यहाँ पे। दोस्तों अगर पेपाल कैसे सेटअप किया जाता है वर्डप्रेस के अंदर में, ई कॉमर्स के अंदर में, अगर आपको नहीं पता हो तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं, और मैं वो चीज़ मुझे पता है, मैं आप लोगों को एक वीडियो बना के उसकी पेपाल को कैसे सेटअप किया जाता है वर्डप्रेस के अंदर में, ई कॉमर्स के अंदर में, वो सारा प्रोसेस मैं इस वीडियो के अंदर में मैं बता दूंगा, ठीक है। तो इस तरह का यहाँ से उसके बाद में मैं सेव कर देता हूँ, सेव कर दी, यही सब सारा चीज हमारा वहाँ गेटवे में डिस्प्ले करेगा। अब मैं देखता हूँ कि ये चेकआउट पेज में मेरा जो है ये एरर हट जाना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे एरर हट गया, कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है। अगर मैं आप यहाँ पे प्लेस ऑर्डर पे मतलब क्लिक करता हूँ, ये मैं प्लेस ऑर्डर पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो अब जो है मेरा ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि मेरा पेमेंट गेटवे एक है, मतलब कैश ऑन डिलीवरी की अगर कोई हमारा प्रोडक्ट हमारे घर तक पहुँचाए उसके बाद में हम उसको कैश ऑन डिलीवरी पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पेपाल वगैरह सारा कुछ सेटअप कर सकते हैं इस जगह पे आप अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आपको पता है तो, नहीं पता तो मैंने बताया कि वीडियो के जरूर बताएं लिख के कि मुझे पेपाल कैसे सेटिंग किया जाता है, वो चीज़ मैं आप लोगों को
स्टेप बाय स्टेप मैं जरूर आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ से आप गेटवे सेट कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गेटवे सेट करने के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया, यहाँ पे ऑप्शन आएगा। और पेपाल के लिए जो है, पेपाल के लिए आपको करना कुछ नहीं पड़ेगा, सिंपली आपको प्लगइन में जाके आपको एक प्लगइन डाउनलोड करने पड़ेगा, पेपाल गेटवे फॉर वर्डप्रेस, ठीक है। जैसे पेपाल गेटवे फॉर वर्डप्रेस फॉर ई कॉमर्स, ठीक है। तो आपको कुछ ऐसे प्लगइन आपको मिल जाएंगे जिस तरह से आपको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे गेटवे ई कॉमर्स प्लगइन, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद में आपको ये चीज चेकआउट करने के लिए आपको मिल जाएगा यहाँ पे। यहाँ से आपको सिंपली आपको बहुत इजी होगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर लें, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप डाउनलोड कर लेने के बाद में, चलिए मैं इसको डाउनलोड ही कर लेता हूँ गेटवे को, ठीक है फ्रेंड। ये हमारा ईकॉमर्स गेट जो है डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। आपको सिंपल डाउनलोड हो जाने के बाद में कुछ नहीं करना है, आपको जो है प्लगइन के फाइल में आपको ले जाके रखना है इसको। चलिए मेरा डाउनलोड हो गया, डाउनलोड हो जाने के बाद में मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ इसको। कॉपी कर लेने के बाद फ्रेंड आपको सिंपल आपको चले जाना है प्लगइन के अंदर में, प्लगइन के अंदर में आपको यहाँ पे ये चीज़ कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ, एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ इस चीज़ को। एक्सट्रैक्ट कर लेने के बाद में फ्रेंड आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, मैं थोड़ा सा नेट डिस्कनेक्ट कर देता हूँ इसके अंदर। तो यहाँ पे मेरा आ गया, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल फिर वर्डप्रेस के अंदर में चला जाना है। मैं वर्डप्रेस के अंदर में चला जाता हूँ, ठीक है फ्रेंड। और वर्डप्रेस के अंदर में जाने के बाद में ईकॉमर्स के अंदर में फिर मैं जाता हूँ, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे मुझे ईकॉमर्स के अंदर में जाना पड़ेगा, सेटिंग्स के अंदर में फिर जाना पड़ेगा, सेटिंग्स के अंदर में, सॉरी सेटिंग नहीं, पहले तो एक्टिवेट करना पड़ेगा प्लगइन को, ठीक है। सबसे पहले मैं प्लगइन में चला जाता हूँ। प्लगइन में जाने के बाद में सारा प्लगइन जो हमारा डिस्प्ले होगा यहाँ पे, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मेरा ईकॉमर्स पेपाल चेकआउट गेटवे, ठीक है। इसको मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरह से आपको एक्टिवेट कर लेना है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम नहीं ले रहा है एक्टिवेट होने के लिए, हमारा एक्टिवेट हो चुका है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा ईकॉमर्स सेटिंग के अंदर में हमारा पेपाल का भी वहाँ पे ऑप्शन आएगा, ठीक है, जिसको हम सेटअप करेंगे उसको। लेकिन हम इस वीडियो में उसको बता नहीं पाएंगे क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। लेकिन गेटवे आपको इस तरह से, आपको जो गेटवे हो उस तरह का प्लगइन आपको मिल जाएगा और वो चीज़ आप सेटअप कर पाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे मेरा पेपाल भी जो है डिस्प्ले होना चाहिए, अब यहाँ पे देख सकते हैं पेपाल चेकआउट, ठीक है। यहाँ पे मेरा ऑलरेडी अनेबल भी हो गया, उसके बाद में मैनेज में जाना है। मैनेज में जाने के बाद में आप यहाँ से मैनेज भी कर सकते हैं, आपका जो है पेपाल में एक अकाउंट होना चाहिए जिसमें से आपको पैसा जाएगा, वो सारा अकाउंट को यहाँ पे आप सेटअप करना पड़ेगा। नीचे आके आपको यूजर आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा, उसके बाद में मैं सारा प्रोसेस आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन यहाँ से आपको गेटवे को इसको मतलब आपको चाहिए तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। सेंड मोड पे करेंगे तो सेंड मोड के लिए सारा ऑप्शन यहाँ मिलेगा, सारा चीज़ यहाँ पे हमको डालना पड़ेगा सारा कुछ। हम इसको करके अब यहाँ पे जो है हम इसको अगर हम एनेबल कर देते हैं, इसको सेव कर देते हैं इस चीज़ को, तो हमारा यहाँ पे भी वो गेटवे हमारा दिखेगा। जैसे भी एक गेटवे दिख रहा है हमारा कैश ऑन डिलीवरी का, और मुझे फिर पेपाल भी मेरा यहाँ पे दिखना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको कि गेटवे में, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा पेपाल का भी एक ऑप्शन और आ गया, ठीक है। तो गेटवे हमारा दिख रहा है। अब मैं चाहूँगा कि मेरा कस्टमर किस चीज़ से मैं पेमेंट दे, तो पेपाल से चाहे तो पेपाल से दे सकता है, कैश ऑन डिलीवरी तक कैश ऑन डिलीवरी का भी दे सकता है, पेटीएम वगैरह का जो भी आप लगाना चाहें आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं कैश ऑन डिलीवरी पे करूंगा, उसके बाद मैं प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देता हूँ। प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देने के बाद मेरा ऑर्डर सक्सेसफुल हो जाएगा और लोग जो है हमें मेल मिल जाएगा उसके थ्रू से, ताकि हम उसको जो है प्रोडक्ट को पहुँचाएँ, ठीक है। तो यही इसका मेन फंडा है और यही इसी तरह से आप अपने अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज कर सकते हैं, फूटर हेडर
मेनू को, मैंने सारा चीज लगभग मैंने सारा प्रोसेस को मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, यहाँ पे जो है यहाँ से भी आप जो है अपना आइटम को ऐड हो तो यहाँ से भी आपको इस जगह पे भी आइटम को दिखेगा। अब यहाँ पे अब ये चीज को और भी मुझे भी देख सकते हैं, सारा ऑर्डर हमारा यहाँ प्रोसेस हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑर्डर रिसीव्ड। ठीक है, अब यहाँ पे ऑर्डर नंबर इतना है, इतना डेट को हुआ, इतना ईमेल आईडी है, कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट मेथड क्या है, कैश ऑन डिलीवरी, उसके बाद में कौन सा प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट ऑर्डर ये है वो है वो, ऐसे इस तरह करके बिलिंग एड्रेस यहाँ पे देख सकते हैं, कंपनी का नाम, इस ये सारा एड्रेस जो है यहाँ पे हमारा दिया गया है। ठीक है, अब वो जो अब जो है जो कस्टमर परचेज करेगा, खरीदेगा इस चीज को, वो मतलब ओनर इसका देखेगा तो बोलेगा कि नहीं, ये इस आदमी ने हमारे इस तरह का ये प्रोडक्ट को परचेज किया है, ऑर्डर किया है, हमें उस चीज को पहुंचाना चाहिए। ठीक है, तो यही इसका मेन फंडा है वो कॉमर्स को सेटअप करने का। अगर आपको अच्छा से अच्छा इस वेबसाइट को डिजाइनिंग के साथ में बनाना है, अच्छे से अच्छे लुक्स में लाना है, तो आपको वो कॉमर्स का बहुत सारे ऐसे थीम्स भी मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे वो कॉमर्स फ्री थीम्स, या तो कुछ पैसे से आपको खरीदने पड़ेंगे जिसमें से आपका सुटेबल हो। ठीक है, ये मेरा नेट कनेक्शन, तो यहाँ पे अपने इंटरनेट से भी जो है आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं और अच्छा से अच्छा जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं इस चीज को, और अच्छा से अच्छा बेटर एक प्रोफेशनल मतलब कह सकते हैं कि ई कॉमर्स का इसको बना सकते हैं। और भी मैं ई कॉमर्स को बहुत ऐसे वीडियो बनाऊंगा जो छोटा छोटा वीडियो पार्ट में करके बताऊंगा, लेकिन इसमें से फुल प्रोसेस मैंने आप लोगों को बताया। और कुछ ऐसे प्रॉब्लम लगे तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आप लोगों को ये इसको डिस्प्ले मैं इसमें रिप्लाई करने के लिए तैयार रहूंगा और मैं देने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को और भी ईजी हो जाए सीखने में। ठीक है फिर, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज जरा भी वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें, और मेरे चैनल में अगर आप नए हैं इसी तरह का वीडियो भी फ्यूचर में चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब भी करना हमारे चैनल को ना भूलें, और ऑल वाला नोटिफिकेशन जरूर दबाएं फ्रेंड। तो बस फ्रेंड, आज के वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, ई कॉमर्स के साथ या वर्कप्लेस के साथ या ई कॉमर्स या ब्लॉगर से रिलेटेड कुछ भी वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद एंड बाय बाय।